हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका सलीम खान, और ये जो वीडियो है एक ब्लॉग वीडियो है जो मैं बना रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो मैं अपने एक कोई ब्लॉग चैनल बनाने की सोच रहा हूं उस पे अपलोड किया हूं, और या तो हो सकता है कि एक्शन का रिएक्शन में अपलोड किया हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, अगर मैंने कोई ब्लॉग चैनल बनाया है तो वहाँ जो है उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर जो है मेरी जो ब्लॉग वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो उस चैनल पे जो है मैं ब्लॉग वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो सोच रहा हूं अभी एक ब्लॉग चैनल बनाने की, अभी तक जो है मैंने बनाया नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिए, अगर चैनल अगर मैंने बना लिया है तो ज़रूर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने सब तो जितने भी मेरे व्यूअर या सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मैं जो है काइन मास्टर एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस जो डालता रहता हूँ अपने एक्शन का रिएक्शन चैनल में। और इसके अलावा मेरा YT सपोर्ट इन हिंदी जो है वो एक चैनल है, तो उसमें जो यूट्यूब की छोटे मोटे जो 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 यूट्यूबर होते हैं, जो मेरे व्यूअर होते हैं, वो कमेंट करते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम रहता है तो इसी से रिलेटेड जो है YT सपोर्ट पे मैं वीडियो डालते रहता हूँ। और जो है एक ब्लॉग चैनल बनाने का, एक ब्लॉगिंग करने का थोड़ा सा जो है मुझे लग रहा है कि ये चीज़ जो है मैं कर सकता हूँ, ब्लॉग वीडियो बना सकता हूँ। और इसमें भी जो है एडिटिंग का स्किल थोड़ा लगता है, एडिटिंग जो है एडिटिंग से रिलेटेड है। साथ ही साथ जो है मेरा वीडियो शूट करना अलग अलग जगहों का, तो ये जो है मेरा इंटरेस्ट है। तो ब्लॉगिंग जो है ये भी मेरा एक इंटरेस्टिंग काम है, तो मुझे लगता है कि एक ब्लॉग चैनल मुझे बनाना चाहिए, और इसलिए जो है मैं एक ब्लॉग चैनल शायद बना लूँगा अभी नहीं तो कुछ दिनों, एक दो दिनों में। तो प्लीज़ उस अगर चैनल बन गया है और आप देख रहे हैं तो प्लीज़ उस ब्लॉग चैनल को देखिए, और आने वाले टाइम में जो है मैं कोशिश करूँगा कि इंटरेस्टिंग वीडियो जो ब्लॉग वीडियो होते हैं वो आपके लिए बनाऊँ। तो फ़िलहाल जो है मैं अपने शहर का ही, जो शहर से लगभग 10 किलोमीटर बाहर थोड़ा जंगल इलाका है, और ये जो है हमारे शहर का जो है एक पिकनिक स्पॉट भी है, तो यहाँ बहुत सारे लोग छुट्टी के दिनों में जो है पिकनिक मनाने आते हैं, जैसे न्यू ईयर होता है या कोई भी ऐसा स्पेशल ओकेजन होता है जहाँ पिकनिक बनाने जाते हैं, तो ये जगह आता है। फिलहाल जो है ये गर्मी का महीना है, तो यहाँ जितने आप झाड़ पेड़ पौधे आप देख रहे हैं तो सब जो है पतझड़ के पत्ते जो है झड़ चुके हैं, तो उतनी हरियाली आपको नज़र नहीं आ रही है। मगर यही आप सर्दियों के मौसम में या फिर जैसे बारिश गिरता है उसके बाद में जब झाड़ पर हरे पत्ते, नए नए पत्ते जब निकलते हैं, तो उस समय जो है यहाँ का नज़ारा आपको देखने लायक रहेगा। तो बारिश का सीज़न आने दो, और मैं जो है इस जगह का जो है अच्छा से अच्छा ब्लॉग वीडियो बनाकर आपको जो है इस जगह का जो खूबसूरती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल वही सोच के आया था कि आपको यहाँ का जो है कुछ अच्छा चीज़ें दिखाऊँगा, मगर फ़िलहाल जो है सारे जो पेड़ हैं उनमें से पत्ते जो है वो सूख कर झड़ चुके हैं, और बारिश के बाद ही नए पत्ते आएंगे। कुछ पेड़ों में है मगर उतनी हरियाली नहीं नज़र आ रही है जितनी रहती है। आज जो है मैं सोच रहा था कि एक ब्लॉग वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इस जगह को जो है अच्छे से दिखाऊं, तो आज जो है ऊपर वाला का थोड़ा मेहरबानी भी है, और जो है आप देख सकते हैं कि ज़्यादा धूप नहीं है फिर भी जो है गर्मी बहुत है। और तो चलो ब्लॉग का वीडियो जो है आगे ले जाते हैं, और कुछ जो है आपको कुछ यहाँ का जो जगह है कुछ सीन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि ये ब्लॉग वीडियो जो है आपको पसंद आएगा। और आप भी ब्लॉगिंग के वीडियो, जो मेरे ब्लॉग वीडियो अगर देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैंने ब्लॉग चैनल बना लिया है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा एक बार, और नहीं भी है और ये वीडियो एक केस में आप देख रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। तो चलो शुरू करते हैं।
तो दोस्तों जिस तरह से आप देख सकते हैं पीछे पूरा जंगल है और झाड़, जितने झाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, सबका जो है पत्ता, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे तरफ, तो पत्ता तो है ही नहीं, पूरे सूख के झड़ चुके हैं। और शायद इन झाड़ पेड़ पौधे जो जितने भी हैं सबको शायद बारिश का इंतज़ार है, और बारिश तक ज़्यादा हरियाली नज़र नहीं आएगी, तो क्या कर सकते हैं। चलो जो है आपको और भी कुछ कुछ थोड़ी बहुत जो है सीन है जो सामने तरफ मेरे सामने में नज़र आ रहा है, तो उसको भी रोटेट कर कैमरा घुमा के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो वो एक जो है थोड़ा तालाब टाइप का है जिसमें पानी जो है बारिश का पानी जमता है, और वो भी जो है लगभग सूख चुका है, तो थोड़ा बहुत उसमें हरियाली है, मगर आप चलो यहाँ ये देख सकते हैं। तो ये जो है ये वो तालाब है, तो यहाँ ये जो जैसे ये फ़िलहाल जो है आप यहाँ ये देख रहे हैं, ये एक छोटा सा पहाड़ है, उसके उधर जो है पहाड़ है, तो तीन तरफ से पहाड़ हो के जो है बीच में एक जगह बना है, स्पेस है, गड्ढा है, तो उसी में जो है बारिश का पानी जमा हो के वो जो है पानी रहता है, तो पिकनिक के लिए ये जगह जो है बहुत सही है, पानी वानी सबका जो है इंतज़ाम यहाँ रहता है। साथ ही साथ लोकेशन में देखें तो मेरे पीछे तरफ ये पहाड़ देख सकते हैं, तो जब हम पिकनिक करने आते हैं तो खाना, जो खाने के बाद में जो खाना को हज़म करने के लिए ये पहाड़ चढ़ते हैं। तो चलो अभी तो गर्मी बहुत है, फिर भी कोशिश करूँगा थोड़ा जो है आपको पहाड़ के ऊपर जाके ऊपर से जो है नीचे का नज़ारा आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों मेरे पीछे तरफ जो है आप ये तालाब देख सकते हैं, गर्मी के लिए ये काफ़ी जो है सूख चुका है, और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप चट्टान पे जो है यहाँ जो है पानी के निशान देख सकते हैं, तो पानी जो है जब बारिश में पानी भरता है तो ये यहाँ तक फुल होता है, तो मतलब सोच सकते हैं कि बारिश में ये कितना ज़्यादा पानी इसमें रहता है, और ये ठंडी महीने तक जो है पानी अच्छा इसका रहता है, जल्दी सूखता नहीं है। मगर आपको अगर गूगल में सर्च करेंगे या कोई न्यूज़ चैनल में अगर देखेंगे, खोजेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो टिटलागढ़ हमारा शहर है उसका गर्मी कितना है, 50 डिग्री उससे प्लस तक जो है यहाँ का गर्मी चले जाता है। तो ये सब तालाब जो है पूरा सूख जाता है गर्मी को महीने में, तो ये गर्मी जो है अभी तो शुरू हुआ है, और इसमें अभी थोड़ा बहुत पानी अभी है, मगर गर्मी में ये पूरा जो है सूख जाएगा। मगर जो इसमें जितना आप हरियाली देख रहे हैं ना, ये जब हम वो पहाड़ ऊपर, आप जो पहाड़ देख रहे हैं वहाँ जब हम चढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे का जो नज़ारा होता है ना वो पूरा एकदम बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो चलो कोशिश करता हूँ कि ऊपर भी जो है जाके ऊपर से नीचे का मैं आपको जो है यहाँ का नज़ारा दिखाऊं। और ये हमारा टिटलागढ़ का जो है एक खूबसूरत जगह में से एक है, इसीलिए जो है इसका एक ब्लॉग वीडियो बना रहा हूँ। और भी दो तीन जगह है, तो वहाँ भी आपको मैं अपने नेक्स्ट कोई ब्लॉग वीडियो बनाऊँगा, तो वहाँ आपको लेके जो है उस चीज़ को दिखाऊँगा। तो भाई लोग, मैं जो ज़्यादा ऊपर तो नहीं चढ़ पाया क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि क्या बताऊँ, आप समझ सकते हो, अगर आप किसी गर्म जगह पे अगर रह रहे हो तो समझ सकते हो कि कैसा परेशानी होता है। तो पहाड़ भी जो है वो पत्थर, पहाड़ का जो पत्थर है वो भी इतना गर्म हो चुका है कि इसमें से जो गर्म जो झाँव बोलते हैं अपने तरफ, झाँव निकल रहा है ना, तो पूरा बदन गर्म हो जा रहा है। तो इसी वजह से जो है मैं ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाया हूँ, और बस थोड़ा सा ये पास में ही चल के जो है आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। चलो
दोस्तों इतना मेहनत जब किया है तो थोड़ा और मेहनत कर लेता हूँ, ये सोच के थोड़ा सा जो है मैं ऊपर आया हूँ और वीडियो रिकॉर्ड भी किया था, मगर वो किसी वजह से जो है रिकॉर्ड हो नहीं पाया। तो फिर भी चलो ये थोड़ा ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर जाया हूँ और ऊपर आप देख सकते हो और बहुत रास्ता बाकी है, मगर गर्मी जो है वो इतना है कि आप समझ नहीं सकते कितना गर्मी है, और ये पत्थर पे जो है चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो चलो यहाँ से जो है, यहाँ से आपको नज़ारा दिखा दे रहा हूँ। तो ये है, देखिए किस तरह से है। बारिश के टाइम में जब ये तालाब भरा रहता है और पूरे जो कमल के पेड़ के पत्ते हैं पूरे भरे हुए रहते हैं और जो उसमें कमल खिला रहता है, तो वो जो सीन रहता है ना वो देखने लायक रहता है भाई। तो बारिश का सीज़न आने दो और चारों तरफ हरियाली छाने दो, उसके बाद जो है इस जगह का मैं बढ़िया से जो है एक ब्लॉग वीडियो बना के आपको पोस्ट करूँगा, आपको शेयर करूँगा। तो आप देख लीजिएगा कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा उस टाइम में। फ़िलहाल जो है गर्मी का मौसम है तो थोड़ा रूखा सूखा नज़र आ रहा है, तालाब भी सूख चुका है और देख सकते हैं पूरा लगता है ना कि कोई फॉरेन कंट्री का लोकेशन ऐसा दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो लगता है भाई। आप कमेंट करके बताओ ये लोकेशन आपको कैसा दिखता है। तो फिलहाल तो है ये ब्लॉग वीडियो ही कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो ये आप सीन देखिए, खतरनाक सीन है भाई। फिलहाल जो मैं खड़ा भी हूँ, पूरा बैलेंस में खड़ा हूँ, अगर थोड़ा भी आउट बैलेंस हुआ तो भैया नीचे बिना ब्रेक का गाड़ी की तरह ना सीधे नीचे ही पहुँचूँगा। तो यहाँ घूमने का जो है सही टाइम अगर देखा जाए तो सवेरे के टाइम आओ, और यहाँ का जो सनराइज है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद में सनराइज देखो तो क्या नज़र आपको मिलेगा। तो भाई आपको जो है ऐसा खूबसूरत नज़ारा जो है आपको शहर में कभी देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी आप अगर शहर से बाहर जाएंगे तभी आपको मिलेगा। ऐसे और भी जो है हमारे शहर से लग के बहुत से 5-10 जगह है, तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ब्लॉग वीडियो में उन जगह पे जाके उन जगह को जो है आप तक पहुँचाऊँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा जो है वीडियो शायद मेरे बोलने में या कहने में जो है थोड़ा रुकावट रहेगा, क्योंकि ये जो है ब्लॉग वीडियो मेरा दूसरा है, पहला एक बनाया था आपने देखा होगा, तो नहीं देखा है तो भी आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा मैंने कुछ कहा नहीं था, मगर इसमें जो है थोड़ा दूसरा जो सेकेंड ब्लॉग वीडियो है और आपके साथ जो है कैमरा में बातचीत करना, तो ये एक्सपीरियंस मेरा उतना नहीं है, तो थोड़ा सा बोलने में थोड़ा अटकाव है, ठहराव है, थोड़ा अटक अटक के बोल सकता हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिए और ये समझिए कि ये मेरा दूसरा ब्लॉग वीडियो है। जैसे जैसे इस टॉपिक पे मैं आगे काम करते जाऊँगा तो है मेरा जो ये सब चीज़ जो है नॉर्मल और भी थोड़ा फिनिश होते जाएगा, और आने वाले टाइम में जो है आपको बहुत अच्छा ब्लॉग वीडियो मैं दे पाऊँ। तो मैं भी, मेरा भी एक और सपना जो है, फ़िलहाल तो एक यूट्यूब चैनल मेरे को बना के एक सेट होना था, तो एक चैनल सेट हो चुका है, और आने वाले टाइम में मैं भी चाहता हूँ कि जो है इंडिया का एक ब्लॉगर जो है बनूँ। तो ये एक जो है दिमाग में आप इस टारगेट को लेके एक ब्लॉगिंग चैनल जो है मैं बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपने एक्शन का रिएक्शन चैनल को सपोर्ट किया है, उस तरह जो है आप मेरे आने वाले ब्लॉग का जो चैनल है जो भी मैं बनाऊँगा आपको पता आपको बता दूँगा, आपको पता चल जाएगा, तो उसको भी जो है आप सपोर्ट करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो यार, और जो है आपका जो अच्छे अच्छे कमेंट है कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो किसी भी यूट्यूबर को जो है कमेंट है ना, कमेंट से बहुत उनको मदद मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि उनका जो जो भी वो काम करते हैं वो उस जो मेहनत करते हैं वो मेहनत का जो
अच्छा नतीजा होता है वो आपका कमेंट होता है, आपका वीडियो का लाइक होता है, तो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को कमेंट ज़रूर करो, और आपका जो भी ख्याल है, जो भी आपका सुझाव है मेरे लिए कि क्या चीज़ मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए, क्या चीज़ मुझे और आगे के टाइम में बेटर करना चाहिए जिससे जो है मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं, तो ये सारी चीज़ जो है, आप व्यूअर हैं, आप ऑडियंस हैं, तो आपको जो भी लगता है कि मुझको क्या क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए नहीं चाहिए, तो वो चीज़ जो है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए कि आने वाले टाइम में मैं भी एक अच्छा चैनल बना के जो है अच्छा ग्रो करूँ, और कहीं ना कहीं आप सब के बीच जो है मैं आ सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।